तो एक समय था जब जिंदगी के कई रंग नजर आते थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये जिंदगी फीकी सी नजर आ रही है और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फंगस ने हालात ऐसे कर दिए कि लोगों की जिंदगी किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह नजर आ रही है। व्हाइट फंगस का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज के इस बुरे दौर में कोरोना ने लोगों की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट कर दी है। खुली हवा में सांस लेने वाले लोग, 24 घंटे दौड़ते रहने वाले शहर, भीड़ से खचाखच भरे रहने वाले बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, आज के समय में ये रंग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कोरोना ने जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट जो कर दिया है, रही सही कसर पूरी कर दी कोरोना के काले साथी ब्लैक फंगस ने। ब्लैक फंगस से लड़ाई चल ही रही थी, दवाइयों की कमी को पूरा किया ही जा रहा था कि ब्लैक फंगस का एक और भाई, या यूं कहें कोरोना को मिला एक और नया साथ व्हाइट फंगस का। मतलब रंग बिरंगी जिंदगी आजकल किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से कम नजर नहीं आ रही। किसी की आंख निकाली जा रही है तो किसी का जबड़ा निकाला जा रहा है। इतने पर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो आपका पीछा इन ब्लैक एंड व्हाइट बीमारियों से छूट जाएगा, तो आप गलत हैं। रंग बिरंगी और आजादी की जिंदगी जीने के सपने फिलहाल छोड़ ही दें तो बेहतर है। अब तक सोचा था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट बीमारी केवल आपके जबड़ों और आंखों तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मानव शरीर की संरचना को लगता है इन फंगसों ने कुछ अच्छी तरह से ही समझ लिया है। अब ये कोई वायरस तो है नहीं जिसे आप बेवकूफ बनाने के लिए नए नए नुस्खे अपना लेंगे। ये फंगस है जनाब, फंगस यानी फफूंद। इसे तो जहां नमी मिलेगी वहां पर ये अपना घर बसा लेगा। तभी तो नाक कान आंख को छोड़कर आजकल व्हाइट फंगस नाम के इस दुश्मन ने आंतों पर भी वार करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मानव शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले और सांसों को छीन लेने वाले इस फंगस ने आंतों पर शिकार किया है और पहला केस गंगाराम हॉस्पिटल से सामने आया है। शख्स का एक्सरे किया गया तो बड़े बड़े होल या बड़े छेद आंतों में दिखाई दिए। बहुत सारे केसेस कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस से भी पीड़ित हुए हैं। गंगाराम अस्पताल में 2 हफ्ते पहले हमें एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको पहले कैंसर की सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी, उसके बाद उनको कीमोथेरेपी मिली थी और अब वो लूज मोशन और एब्डोमिनल पेन से एडमिट हुए। एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से जब दाखिल हुए तो हमें मिला कि उनके इंटेस्टाइन में लीक है। उसकी कंडीशन को सुधारने के बाद तुरंत सर्जरी की गई और सर्जरी में पूरी आंत में जीई जंक्शन से स्टमक और फूड पाइप के जंक्शन से पूरी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीपल होल्स मिले, परफोरेशंस मिले। ये देखा गया कि ये परफोरेशन एक व्हाइट फंगस या कैंडिडा की वजह से था। कैंडिडा एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन में रहता है। तो जब इम्यूनोसप्रेस स्टेट होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसमें इस लेडी में 3 कारण थे इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के: अंडरलाइन कैंसर, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी मिली और फिर सब्सिक्वेंटली कोविड इन्फेक्शन। प्रोफेसर साहब की बात सुनकर वाकई हर कोई सन्न है और अब तक अपनी जिंदगी को रंगीन करने वाले लोग अब सावधान हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें यह पता लग चुका है कि कोरोना तो साल 2 साल पुराना वायरस है, लेकिन फंगस नाम की ये बीमारी नई नहीं बल्कि पुरानी है। और आज के समय में ये ब्लैक एंड व्हाइट फंगस इंसानी जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब तक सैकड़ों लोग हैं जिनको इस फंगस ने अपना शिकार बनाया है और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, यानी उनके रंग बिरंगी जिंदगी में इस फंगस ने बस एक ही कलर छोड़ा है और वो है ब्लैक ही ब्लैक। उम्मीद है इस फंगस बीमारी को हल्के में लेने वाले अपनी कलरफुल जिंदगी की अहमियत को समझेंगे और इसे ब्लैक एंड व्हाइट होने से बचाएंगे। विनय चौधरी, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।